राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण कार्य हेतु संचालित स्वामित्व योजना की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के नोडल अधिकारी नामित कर ग्रामीण क्षेत्र में समिति गठित किया जाए तथा गाँव की भूमि को ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफ लेकर उसका डाटा एंट्री किया जाए, जिससे उसका डिजिटल नक्शा बनाकर आगे की कार्यवाही की जा सके। उसका पीरियडिक रिव्यू होता रहे और हर सप्ताह एक बार जरूर जिससे कलेक्टर इसको इस दृष्टिकोण से रिव्यू कर लेंगे कि वो अपेक्षा पीछे नहीं चल रहा है। इस समय जो जिले हमारे सामने हैं, मैं आप लोगों को फिर से स्मरण करा दूं कि जो अभिलेख देने की डेट है वो 2 अक्टूबर फिक्स है और इसी से हमें बैक कैलकुलेट करके अपने कार्यों को समय से पूर्ण करना है। जिन जिलों में अभी जिलेवार प्रगति की बात होगी, जिन जिलों में सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रथम मैप है वो प्राप्त हो गए हैं, उसके बाद प्रारूप 4 का भरा जाना, उसमें अगर संशोधन होना है तो संशोधन दर्ज किया जाना, संशोधन के बाद दोबारा सर्वे ऑफ इंडिया को वापस भेजना और उसके बाद सारी प्रक्रिया है। प्रारूप 5 है, 6 है, 2 है, आप सबसे वाकिफ है, लेके हो बताया गया है कि जो प्रथम मैप प्राप्त हो रहा है उसको हमें अपने लेवल पर प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जो 5-6 दिन का समय लेना चाहिए था उसके स्थान पर 15-20 दिन लग रहे आयोजन सचिव को इस अनुरोध के साथ बोलता हूँ कि वो हमें डिस्कस बताए, लेकिन कृपया करके और इसको समयबद्धता के साथ पूरा करना है। यहाँ उपस्थित सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और नोडल ऑफिसर्स इसको भली भांति नोट कर लेंगे, बनाया है उस पर भी हमें समय से इसके अलावा भारत सरकार ने पोर्टल बनाई और हम जिस फ्रीक्वेंसी से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं उससे दुगनी फ्रीक्वेंसी से भारत सरकार ये आह्वान करते हुए कि ये कार्य समय से पूर्ण किया जाए। मैं आयोजन सचिव से अनुरोध करूँगा कि अब इसकी मॉनिटरिंग है वो इस समय करा। धन्यवाद सर। एक एसओपी का प्रथम भाग काफी दिन पहले पिछले महीने ही आप सबको दे दिया गया था, जब आप जब जिस स्टेज तक आपने फॉर्म 7 तैयार करना था। फॉर्म 7 के बाद की जितनी कार्रवाई है उसका एसओपी भी आपको लास्ट वीक भेजा जा चुका है, जा चुके हैं, विशिष्ट फाइनल हो गए हैं वो भेजे जा चुके हैं, एसओपी फाइनल हो गया है वो भेजा जा चुका है। 2-3 पेज का एसओपी है वो आपके फील्ड कर्मी तक वो पहुंच जाना चाहिए, सो दैट पूरी क्लैरिटी रहे कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं। बहुत ही डिटेल में समझाया गया है उसमें एसओपी में कि कैसे कैसे प्रगति करनी है, क्या इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, किसका क्या रोल रहेगा, किस स्टेज पे कौन क्या ड्यूटी करेगा, तो वो उस एसओपी में सब बनाया गया है। काइंडली लुक एट इट एंड आई विल सजेस्ट कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग ब्रीफिंग सेंसिटाइजेशन करवा दीजिए एंड उसकी एक एसओपी की कॉपी हर राजस्व कर्मी या ग्राम पंचायत अधिकारी, जो भी विलेज लेवल वर्कर्स हैं, सर्वेक्षण टीम है, हर किसी के पास वो एसओपी की कॉपी होनी चाहिए।